से शुरू हुआ है हमारे शो में इंडिविजुअल एलिमिनेशन और तीन तिकड़ियों की तीन कमजोर कड़ियां हो चुकी हैं मुकाबले से बाहर। आज बारी है बाकी तीन तिकड़ियों की जिनका फैसला होने वाला है अब। इससे पहले कॉमेडी का माहौल थोड़ा सीरियस हो जाए और एलिमिनेशन नाम की सुनामी शुरू हो जाए, आइए आपको दिखाते हैं एक बहुत ही स्पेशल एक्ट जिसमें कृष्णा सुदेश का साथ निभा रही है साथिया की राशि यानी रुचा। अर्चना जी, आज मेरी सुहागरात है। रुचा, आज पहली बार मैं किसी लड़की को इतने करीब से देख रहा हूँ। सच्ची? हाँ, नहीं तो नॉर्मली मैं इधर होता हूँ ना। अब छोड़िए ना, कोई आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। अबे बिट्टू, अरे अरे अरे, आना आना, बैठ बाहर। बाहर बैठना जाके। बाहर क्यों? ओ अच्छा, कांग्रेस इलेक्शन। भाभी को पता है? क्या भाभी को पता है इसके बारे में? अबे क्या बकवास कर रहा है, इसी से मेरी शादी हुई है, मेरी बीवी है, तेरी भाभी है ये। देखिए, मैं वाकई भाभी जी हूँ। चलो फिर ठीक है। वैसे एक बात कहूँ, सब्र का फल वाकई बहुत मीठा होता है। अगर तुम थोड़ा सा सब्र कर लेते तो कोई शरीफ लड़की मिल जाती। क्या बकवास कर रहा है तू? यार मैं बकवास नहीं, ये इस लड़की का करेक्टर ठीक नहीं है। क्या बातें कर रहे हैं आप? क्या बातें कर रहे हैं आप? क्या बातें कर रहे हैं आप? देखिए, मैं बहुत सुशील हूँ। हाँ? मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ। तू बेवकूफ बना रही है, सुशील नहीं तू रुचा है। मजाक कर रहे हैं। अब जानू इन्हें चाय तो पूछिए, कब के आए हैं? अच्छा, हाँ अभी पूछता हूँ। कुछ लोगे? तुम्हारे हाथ की मैं चाय पीऊंगा आज, बहुत अच्छी बनाता है भाभी। जाओ 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 जाओ, बड़ा सियाना है, बड़ा जाओ। भाभी तुम खड़ी क्यों हो? इसे अपनी ही स्वागत समझो, बैठो ना। तुम सीरियल में आती हो ना? हाँ। है ना, देख लो कई कितनी कितनी सुंदर लड़कियां होती हैं, उनको मौका नहीं मिलता है ना। अच्छा, वो टैलेंटेड भी होती हैं, उनको चांस नहीं मिलता। तुम्हारी किस्मत है ना? नहीं, वो किस्मत नहीं है, मैं टैलेंटेड ही हूँ। पर लगता नहीं। इसमें पैसे वैसे भी मिलते हैं? हाँ। कितने पैसे देती हूँ उनको पर एपिसोड के? पैसे देती नहीं हूँ, एक्टिंग करने के लिए पैसे ले लेती हूँ। अच्छा लेती हूँ, तो फिर एक्टिंग क्यों नहीं करती? मजाक कर रहा हूँ मैं। हाँ मजाक। आप वैसे भी इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं ना, तो उनके बारे में कुछ अच्छी चीजें बताइए ना। अरे भाभी, इसको कभी तंग मत करना। तो अगर कभी झगड़ा करोगी ना तो बॉस मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। चलो कभी झगड़ा हो भी जाए ना तो भाभी इसको तलाक मत देना। अगर कभी तलाक हो भी जाए तो दूसरी शादी मेरे से करना भाभी, मेरे। टी, चाय। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थोड़ा इधर हो ना, ये तुम्हारा। इसमें क्या डाला? लाची, टेस्ट बहुत आ रहा है मेरे को। एक बात बताइए, इतनी देर से आप दोनों यहाँ क्या कर रहे थे? अब कर बुराइयां कर, अब बड़ी बुराइयां कर रही थी। ए, मेरे को कहती इसको तलाक देके तुमसे शादी करूंगी। क्या? नहीं मैं कह सकती हूँ क्या, वो बुराइयां तो ये कर रहे थे। ए, बुराई सुनना भी तो एक पाप है। इधर यार, क्लोजअप बना हुआ इधर। ये लड़की ठीक नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना लड़की। क्या बकवास कर रहा है यार तू? मैंने इसको टच किया, इसको बुखार चढ़ा हुआ। बुखार चढ़ा? कितना कितना? 36-24-36। एक काम कर, तू यहाँ से 9-2-11 ओले, वरना मेरी सुहागरात ना यही निकल जाएगी। ओ यार, अबे फट जा, फिर कुछ होना ही नहीं। तेरी बहन। वाह, अकेले से अच्छे नहीं लग रहे, रो रहे। उन्हें उन्हें अंदर बुला लीजिए, कोने में सो जाएंगे। चल यहाँ तक आ जा, अभी बोल रही है तो आ जा इधर तक। अब क्या करें इसका?
आप ही देख लो। आया आया बीच में बैठ। अब चलेगा। बहुत बोले जी आने के ना उसको उधर सीधे। इधर है। यस। तो चिकरे करे मैं थोड़ा। बालकनी में चलते बालकनी। दूध भी बेकार गया। चलो ये पी लेते हैं। कहाँ गए हैं? बालकनी में। यस, वहीं जाके ढिंक चिका पे डांस कर रहे होंगे। मैं भी वहीं जाके डांस करता हूँ, आप भी जाके डांस करो। अभी अभी विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि कॉमेडी सर्कस के स्टेज पे बॉम्ब प्लान करा जा रहा है। सबसे निवेदन है कि अपनी रक्षा अपने आप करें, क्योंकि बॉम्ब से हंसी के भयानक ब्लास्ट हो सकते हैं। Give a huge round of applause for Kapil as the bomb squad wala, Ali as various characters and Neha as the sexy girl. आज रेलवे वालों को पता चलेगा कि रंगा को रेलवे से निकालने का अंजाम क्या होता है। अरे मेरा कसूर क्या था? सिर्फ 1.5 किलोमीटर पटरी तो उखाड़ के भेज दी थी मैंने। इसके लिए मुझे रेलवे से निकाल दिया इन लोगों ने। मैंने रेलवे ट्रैक पे बम फिट कर दिया है। एक बजे रेलगाड़ी एक्सप्रेस यहाँ से गुजरेगी। थकड़ 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 रेल इधर गाड़ी इधर थकड़ 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 बड़ा मजा आएगा। साहब मैंने कुछ नहीं किया। साहब मैं सच्ची बोलता हूँ, शपथ मैंने कुछ नहीं किया साहब। एक सेकंड, ये हाथ क्यों पकड़ के खड़े हो? लगता है इसने कुछ सुना नहीं। क्या लगता है बम तुमने रखा है? Just kidding. इधर क्या कर रहे हो? वो रिश्तेदारों को छोड़ने के लिए आए थे। रेलगाड़ी में एक्सप्रेस आने वाली थकड़ थकड़। रिश्तेदारों को छोड़ने आए थे? How lucky you are. एक हम है, एक रिश्तेदार तो खैर अभी भी आया है, दूसरा 4 साल से बैठा है। पर है बड़े स्वीट दोनों, कुछ भी सुना दो चुपचाप सुन के निकल जाते। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। निकल यहाँ से। हेलो। जी सर। जी सर। क्या कोई बम लगा के चला गया? जी क्या कहा आपने? बम 1 बजे फटेगा? क्या बात कर रहे सर, 1 बजे बम फट ही नहीं सकता सर, 1 बजे तो लंच का टाइम है। जी सर, टॉमी मेरे साथ है। जी सर, पूरी कोशिश करेंगे बम ढूंढ निकालने की, तब तक आप कोई अच्छा सा बहाना ढूंढे। नहीं नहीं सर, इन केस हमसे बम नहीं ढूंढा गया हमेशा की तरह, तो कुछ तो बोलना कि नहीं सरकार को कि हम ठीक थे, वही ज्यादा चलाक निकले। सर सर मैं पूरी कोशिश करता हूँ। ओके सर, थैंक यू। अबे चल बे। चलो टॉमी बम ढूंढते हैं। एक तो सारा इंडिया में बम ढूंढने की बड़ी प्रॉब्लम है, मिलता ही कहीं नहीं। एक हमारा पड़ोसी देश है, जिधर मर्जी कुछ भी ढूंढ लो बम भी मिलेगा। चलो टॉमी, 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 व्हाट आर यू डूइंग? रेलवे ट्रैक पे सुसु नहीं करते? रुको एक सेकंड, बदतमीज, इसमें कर दो। चलो टॉमी, चलो टॉमी, सुंगो बेटा, सुंगो सुंगो, बम निकालना है हमें, ढूंढो बेटा। चाय 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 ले ले, चाय 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 ले ले, मुझसे गरम चाय ले ले, मुझसे गरम चाय ले ले, चाय 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 ले ले, चाय 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 ले ले। चाय वाली इधर। अभी नहीं साहब, मैं धंधे पे हूँ। क्या बात है साहब, कितने परेशान लग रहे हो, पसीना भी छूट रहा है। परेशानी वाली कोई बात नहीं, बम तो आज मैं ढूंढ के निकालूंगा। बम! हाय शपथ, हाय शपथ, मैं
काय नहीं केलं साहब. मुझे माफ कर दो, मैं गरीब औरत हूं, मुझे जाने दो साहब. ए इधर साली गरीब औरत. चिंता करने की कोई बात नहीं है, टॉमी मेरे साथ है. ये बम को ढूंढ निकालता है, वो भी सूंघ के. लेकिन आज थोड़ी सी प्रॉब्लम है, टॉमी को जुकाम हुआ पड़ा है. साहब अगर जुकाम हुआ है तो अदरक वाली चाय पिला दो ना साहब. लेकिन मेरे को जाने दो. नीचे मारूंगा कुत्ते को, अदरक वाली चाय पिलाएगी तो मेरे को एक नमक लगा के हड्डी दे दे. मैंने अभी अभी टॉमी को डिस्प्रीन खिलाई है. लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, जब से इसे डिस्प्रीन खिलाई है ये इधर उधर की फीमेल डॉग्स को बड़ा घूर घूर के देख रहा है. मुझे लगता है साले कुत्तों पे डिसिप्लिन अलग असर करती है. ए साहब क्या गोली का नाम क्या बोले थे, वापस बोलो. अपना काम कर और मुझे बम ढूंढने दे. चल टॉमी चल बम ढूंढ. मरना है मुझे, मरना है. मैं आज यहाँ मरने आई हूँ, मैं यहाँ, मुझे मरना है, मरने दो. निकलो बाहर. इस ट्रेन नहीं आएगी, उधर आएगी, उधर जाके लेटो. कैसे पुलिस वाले हो, एक अबला नारी आत्महत्या करने के लिए जा रही है और तुम रोकते भी नहीं हो उसे. देखो मैं इस टाइम पे ड्यूटी पे हूँ, लड़कियों लड़कियों का चक्कर बाद में, दबा जाओ. अभी पहले मुझे बम ढूंढ के निकालना है. हाँ क्या यहाँ पे बम है? Oh my God! ये तू क्या Oh my God कर रही है? तो वैसे भी घर से मरने आई थी ना, क्या बम क्या ट्रेन, तुझे तो मर रही है. अरे मैं तो ट्रेन के नीचे आकर मरने आई थी, बम से मुझे नहीं डरना, बहुत डर लगता है. ना 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 ना. ए जितना तेरा साइज है ना, तू खिलौने वाली ट्रेन को भी चाबी दे के आगे लेट जाएगी ना, तो तब भी तेरे 8-10 पीस होंगे कम से कम. बहुत ज्यादा. अच्छा एक बात बताओ लड़की, तुम मरना क्यों चाहती हो? मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया. अच्छा तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया? कहाँ मिलेगा तुम्हारा बॉयफ्रेंड? और सुनो उसके बाद एक्स्ट्रा एक का धोखा होगा तो मुझे दिला देना. चलो आजा ए चुटकी इधर, चल मेरे साथ बम ढूंढने मदद कर. चल क्या एक बम दूसरा बम ढूंढेगा? ए सुरसुरी बम, ऐसे बम के फित्ते को आग लगाओ बीच में से सांप निकलता है. एक तो साला एक घंटा हो गया बम ढूंढते ढूंढते मिल भी नहीं रहा. मैं तो कहता हूँ साला फटे फटाए पता चले रखा किधर है. ओह माय गॉड टॉमी उल्टा लेट गया. इसका मतलब यहाँ पे कुछ उल्टा चल रहा है. ए चाय वाली क्या है, मेरे को बार बार तेरे पे शक हो रहा है. पर बम किधर छुपाया तूने? कहाँ छुपाई हूँ मैं बम, एक तो तुम्हारे चक्कर में मेरा दूध जल गया. बंद कर और ये बता टाइम क्या हुआ है. 12:58 मतलब 2 मिनट बचे. भगवान के लिए मुझे जाने दो. ए, चाय कौन बनाएगा तेरा बाप, चल चाय बना. अरे सिर्फ 2 मिनट बचे. 2 मिनट बचे तो मैगी बना दे जल्दी जल्दी. टॉमी बेटा बसंती की इज्जत धन्नो के हाथ में थी, आज मेरी इज्जत तेरे हाथ में. बेटा बम ढूंढ के निकाल. सूंग बम सूंग. क्या वाह टॉमी ने बम ढूंढ लिया. चुप कर चुप कर एक सेकंड. टॉमी ये बम में इतनी लाइटें क्यों लगी हुई हैं? लगता है दिवाली में बनाया होगा. बात बंद कर. टॉमी बम को डिफ्यूज कैसे करूं? क्या काली वाली तार काटूं? साले काली वाली तार तो है ही नहीं. कुत्ता कितना अनपढ़ है तू. एक सेकंड साला धोखा ही तो बिल्ली निकली. दबा हो जा मेरी नजरों से. अपने अपने कान बंद कर लो. देखो देखो तार देख के काटना, ठीक तार ही काटना. ठीक क्या तार साली, एक ही तार है, ठीक क्या काटू मैं. बम सुबह सुबह उठ पड़ा, गर्मी में खराब हो गया. लेकिन खराब बम और ज्यादा घातक हो सकता है. नहीं फटा, नहीं फटा, नहीं फटा. मैं लूट गई, बर्बाद हो गई. अरे तेरे बम के चक्कर में मेरा सिलेंडर फट गया, दूध भी वेस्ट हो गया, मैं बर्बाद हो गई. बकवास बंद कर. ए टॉमी जा जाके इसकी साड़ी फाड़ साली. बकवास करते जा रही है. ए हेलो यस कमिश्नर सर, बम ढूंढ निकाला है मैंने अकेले ने, बाएं हाथ का काम. टॉमी तो डर गया था और मैंने फिर घर भेज दिया था. मम्मी की याद कर, मिस कर रहे थे मम्मी को. क्या बात कर रहे हैं,
एक बम और है। कहाँ सर? अर्चना पूरन सिंह की कुर्सी के नीचे। सर आपको गलत फहमी हुई है, बम कुर्सी के नीचे नहीं सर, बम तो कुर्सी के ऊपर है जी। दलेर पाजी कितना दम था इनके बम में? बस हंस हंस के समझे के पेट दर्द हो रहा था, अरे बहुत 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 दिल को छू गया। और ये कपिल साहब और अली साहब आपके लिए। अर्चना जी इनके एक्ट में धमाका था या नहीं? बहुत बहुत खूब किया तुम दोनों ने। अली योर टाइमिंग वाज अमेजिंग, और कपिल व्हाट यू डू ओनली यू नो, लेकिन जो भी तुम करते हो वो इतना अट्रैक्टिव होता है, इतना करेक्ट होता है। नेहा व्हाट एवर वाज गिवन टू यू वाज वेरी नाइस, आपने गाया बहुत अच्छी तरीके से। और सबसे मुश्किल सवाल रोहित आपको आज बताना है कि इस तिकड़ी में कमजोर कड़ी कौन है? मुझे निकाल दो। नहीं देखिए कपिल और अली दोनों ही अब ऐसे कलाकार हैं जिनको आप ये जज नहीं कर सकते कि आज उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया, हम ये ज़रूर देख सकते हैं कि कितना एंटरटेन किया, क्योंकि स्टेज पे आप रूल करते हो। और नेहा आपका बैटलग यही है कि इतने महान कलाकारों के साथ आपकी जोड़ी बनी, उसमें होता यह है कि ओवर शैडो हो जाता है कि आज आपको जाना पड़ेगा, और उसकी वजह ये दोनों है। तो जजेस का फैसला सर आंखों पर। सबसे पहले थैंक यू अली एंड कपिल फॉर दैट लवली परफॉर्मेंस, यू मे टेक योर सीट। थैंक यू, थैंक यू सो मच, एंड वी विल रियली मिस यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। थैंक यू सो मच, थैंक्स। जोरदार तालियां वंस अगेन। विलियम शेक्सपियर की राइटिंग का लोहा तो सब मानते हैं, तो फिर ये कौन सी बात है जो रोमियो जूलियट को खटक रही है? Let's find out. Please welcome Bharti as Juliet, Akshat as Romeo and Abhijit as Shakespeare. आज मेरा happy day है क्योंकि आज मैं मेरा book Romeo और Juliet launch करने वाला हूँ। तो please welcome Romeo and Juliet. आए बेड़ा घर को तेरा कमीने। तू तू तू। फिटे मुँह। अरे तुम ऐसे कैसे झगड़ रहे हो? सॉरी। हो गया तेरा? अरे ये क्या कर कह रहे हो तुम दोनों यार? तुम कौन हो? मैं शेक्सपियर। शेक्सपियर? अरे मेरे को क्या मार रहे हो? मैंने क्या किया? साले तूने दो कहानी लिखी है उसके हम रोमियो और जूलियट हैं। अरे लेकिन रोमियो और जूलियट बूढ़े, मैंने तो उनको जवानी में ही मार दिया था। मार दिया था ना, लेकिन किताब कहाँ रखी थी? किताब कबर्ड में रखी थी। कबर्ड में? अंधे, तेरी किताब के लास्ट के तीन पन्ने कीड़े खा गए। थैंक गॉड मेरी किताब किसको तो पसंद आ गई। वो तीन ही पन्नों में हमारा एंड था, तब से लेकर अब तक हम बिना एंड के ही घूम रहे हैं। क्या? हाँ, अब तुझे हमें नया एंड बना के देना पड़ेगा। चाचा दो मिनट ऐसे ही रहो, तुम्हारा एंड तो ऐसे ही हो जाएगा। ये मुए, एंड कर, एंड। अरे लेकिन एंड करने के लिए मुझे रिवर्स में तुम दोनों को लेके जाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, चले जाएंगे रिवर्स में। सुनो जी, बैक गियर डालो जरा। ओके। अरे ए, 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 एक मिनट, अरे रुको यार। चलो ठीक है। एक्ट नंबर वन, पहली बार जब रोमियो और जूलियट मिले थे। बदतमीज कहीं के, लड़कियों को छेड़ते हैं, रोमियो बनते हैं। पर मैं तो सच में रोमियो हूँ। हाउ स्वीट, सच में रोमियो, मैं अपना थप्पड़ वापस लेती हूँ। और पहली ही मुलाकात में रोमियो और जूलियट ने इतने फेरे लगाए मानो उनके शादी के फेरे हो। एक्ट नंबर टू, हर रोज की तरह जूलियट अपने बालकनी में रोमियो का इंतजार कर रही थी। तफर, रोज लेट हो जाता है। ओह माय गॉड। यार रोहित, तुम तुषार को अपना दोस्त समझते हो ना?
तुम्हारे पीठ पे छुरा भोंका इसने। कब से मुझे गंदी नजरें टिकाए बैठा है। कभी अपने डैडी जीतू जी को भेज देता है, कभी अपनी बड़ी बहन को, और आजकल तो इतना लुच्चा हो गया है कि बीच बीच में खुद ही आने लग गया है। मुझे तो कभी कभी डर लगता है कि अर्चना के बेटे भी एक दो सालों में जवान हो रहे हैं, कहीं वो ही ना बाजी मार ले। हाय रब्बा, इतना हुसन कहाँ छुपाऊ मैं। जूलियट, ए आइटम। ए काय का आइटम, ऐसा तो मैंने लिखा नहीं था। चले, इम्प्रोवाइज नाम की कोई चीज होती है यार। चीज का है, चीज चीज का नाम सुनते ही आ गई। जूलियट, हाय रब्बा, कितना प्यारा फूल, मैं भी फूल दूंगी टिट फॉर टैट। क्या कह रहे थे तुम? मैं कह रहा था कि बहुत खुश हो गया था लेकिन तुम नीचे कैसे आ गई? डैड ने तो कैद कर दिया था ना। मैंने अपनी डैड की आंखों में धूल झोंक दी। अब वो उठ भी नहीं पा रहे। क्यों? धूल में इतना बड़ा पत्थर भी था। हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए रोमियो, तुम्हारे इतने करीब आके मेरा कुछ करने का मन चाह रहा है। तो करो ना। नहीं नहीं, तुम्हें बुरा लगेगा। हट पगली, ऐसी बातों में भी बुरा लगता है क्या? करूं मैं? मेरे पास तो आओ। यार काय के तुम लोग, जूलियट और रोमियो, भाग इधर से। पर एक्ट नंबर 3, रोमियो और जूलियट 10 साल बाद एक बार फिर से मिले, और इस बार 10 सालों के बाद सब कुछ बदल गया था इनके कॉस्ट्यूम छोड़कर। क्या? डांस, खाना। और तभी उसको याद आया कि उसने 2 बर्गर के एवज में किसी और के साथ ही इश्क किया था। क्या हुआ जूलियट? भूख भूख होती है। तुम नहीं समझोगे रोमियो बाबू। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। सच्ची? अरे वाह, थैंक गॉड। एक मिनट, तुम भी किसी और से प्यार करते हो? हाँ। किससे? इससे। ये तूने कैसा एंड लिख दिया? साले। एक मिनट। अरे, बाय 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 बाय। शेरपा जी, कैसी लगी है रोमियो जूलियट की नई रचना जो इन्होंने लिखी है? भारती जी जब भी आती हैं शो में और जान आ जाती है। ठीक था, अच्छा था। अर्चना जी, आपको कैसा लगा? ऐसा नहीं लगता अभिजीत, मैं दोबारा ये दोहरा रही हूँ बात, कि तुम एक सिंगर हो, ऐसा लगता है यू आर एन एक्टर एंड यू हैव वंडरफुल टाइमिंग। भारती, ऑफ कोर्स यू आर पार एक्सलेंस, व्हाट एवर यू डू इज सो वॉचेबल, ऑल 3 ऑफ यू आर रियली गुड। तो रोहित, आपसे पूछते हैं कि आज इन तीनों में से आपके हिसाब से कमजोर कड़ी कौन है? जहाँ भारती हो वहाँ कमजोरी आ ही नहीं सकती है। तीनों बज गए। मैं बताता हूँ वजह उसकी। जैसे ये एक्ट शुरू है, सडनली ऐसा लगा कि मैं किसी स्कूल में चीफ गेस्ट हूँ और बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं बच्चों को तो एलिमिनेट नहीं कर सकता। आप लोगों की ऑनेस्टी के वजह से वो पावर आ गया इस एक्ट में और आप तीनों बज गए। थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू। इस अंग्रेज को तो आप शायद भगवान भी नहीं बचा सकता। पहली बार आया इंडिया और सामना हुआ भी तो सीधा रजनीकांत से। प्लीज वेलकम स्वप्निल एज द अंग्रेज, सुगंधा एज द फ्रीडम फाइटर एंड VIP एज वेरियस कैरेक्टर्स। क्या ये इंडिया है? चले छिले ले अंडे। ओ, यही इंडिया है। खूबसूरती ही खूबसूरती है। यही इंडिया है जहां के रियलिटी शो में कंटेस्टेंट कम
और जजेस ज्यादा बिठा के रखे हैं। हम हिंदुस्तान में मसाले का व्यापार करने आए हैं। ओह दैट रिमाइंड्स मी, कल रात को मैंने पहली बार इंडियन मसाले से बना खाना खाया। अब मेरी समझ में आया कि इंडियन लोग पानी क्यों इस्तेमाल करता है, क्योंकि टिश्यू पेपर तो साला जल जाएगा। भारत छोड़ो ना। गुड लॉर्ड, छोड़ने के लिए कह रही है, पकड़ने के लिए? अंग्रेजों भारत छोड़ो। ओ यू शट अप, और ये बताओ कि कौन हो तुम? हाँ तो मैं क्यों बताऊं? ठीक है मत बताओ, लेकिन फिर मैं तुम्हें अपनी बाइक पे नहीं घुमाऊंगा। यू सी बबली सिंह 24 साल बी फर्स्ट ईयर खालसा कॉलेज 6 से 8 बाजू वाले पार्क में। मना मत कर देना। स्टॉप इट, और अगर ब्रॉडकास्ट बंद नहीं की तो मेरा हाथ उठ जाएगा। यू सी अर्चना कुछ समझ में आया? नहीं आया। दिलर पाजी तुमको? बिल्कुल नहीं। कोई नहीं समझता मेरा भाषा में जाते। तो मैं तुम पे हाथ उठा देगा। ऐ ऐ ऐ ऐ भाई फंस नहीं है मेरे होते हुए किसी औरत पे हाथ नहीं उठाने का। अरे बेटा बिरजू, अरे बेटा मैं तो रजनी हूँ, मेरी बातों पे भरोसा क्यों कर रहा है तू बेटा बिरजू? हूँ रजनी। हाय, ओ मेरे को पहचानता नहीं? हाय आखा दुनिया मेरे को पहचानता है। मेरी माँ एक बार रोटी बना रही थी, यू नो गैस खत्म हो गया था, मैं रोटी उठाया सूरज के पास गया, रोटी बनाया लेकर आया, चेहरा जल गया लेकिन रोटी जलने नहीं दी। हाँ तुम अगर अभी इसी वक्त यहाँ से नहीं गया तो मैं तुम्हारी जान ले लेगा। hey! भाई हिंदुस्तानी गोली खाने के लिए तैयार है। अरे बेटा बिरजू, अरे अरे मैंने पहले कहा कि मैं रजनी हूँ, अरे मेरी बातों पे भरोसा क्यों कर रहे हो? वैसे भी मैं अंग्रेज हूँ बाबू, अंग्रेज। What? तुम और अंग्रेज? Yes, मैं साउथ ब्रिटेन से है। Oh, shut up! तुम लोग शायद नहीं जानते हम अंग्रेज भी हिंदुस्तान का भला करने के लिए आए हैं। Hey, hey, hey! तुमने क्या भला किया? हम हिंदुस्तानी लोग पटरी पे जाके लोटा लेके बैठते सुबह सुबह, तुमने पटरी पे ट्रेन चला दिया। You idiot! हमने ट्रेन चलाने के लिए पटरी बनाया, तुम उधर सुबह सुबह लोटा लेके जाता है। ऐसे क्या? हम अंग्रेज लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में ना जाने कितना सड़कें बनाया। बनानी थी, देशवासियों को सड़क पे लाने के लिए सड़क बनाना तो जरूरी था। तुम अगर इसी वक्त, शट अप यू इंडियंस, तुम अगर इसी वक्त यहाँ से नहीं गई तो मैं लाठी चार्ज करेगा। लाठी से डरता नहीं, मेरा नाम रजनी है। अरे बेटा अरे मैंने पहले कहा था बेटा मैं रजनी हूँ, मेरी बातों पे क्यों भरोसा कर रहा है तू? निहत्ते पे लाठी चलाते शर्म नहीं आती? ओ तुम कहो तो मैं तुम पे लाठी चलाऊ। हाँ अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। लगता तू ऐसे नहीं मानेगा। I'm gonna kill you. ऐसा कोई गोली बनाने जो रजनी को चीर के जा सके। Oh, we'll see. Yes. I'm sorry. Machine gun. God. Rocket launcher. Vande Mataram. Enough. Vande Mataram. Munna, ruk kyun gaye? Chalao goli. Of course. ये अहिंसा की शांति तुम्हारे हिंसा के शोर से कहीं ज्यादा ताकतवर है। लड़ाई से ना तो आज तक किसी का भला हुआ है और ना ही कभी होगा। फिर भी अगर तुम गोली चलाना चाहते हो तो पहले मुझ पर चलाओ।
I give up. I give up. मैं सबके सामने ये ऐलान करता हूं कि आज से हिंदुस्तान हमेशा हमेशा के लिए आजाद है. लेकिन आज के बाद इस देश के दो मुल्क होंगे, एक हिंदुस्तान और दूसरा ओ नहीं बापू, ये मैं नहीं कर सकता. उस कहानी को लिखना हमारे हाथ में नहीं था, इसलिए दो मुल्क बन गए. लेकिन इस एक्ट का अंत हमारे हाथ में है, इसलिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग अलग मुल्क नहीं बनेंगे. क्योंकि ये एक ऐसा मंच है जहां दो दिलों का, दो परिवारों का और दो देशों का कभी बंटवारा नहीं होता. पलथा उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे. बेटा शटर डाउन करना मत भूलना. शटर डाउन. दलेर पाजी, एक्ट विद अ मैसेज, कैसा लगा? एक तो मैसेज बहुत दिल को छू रहा था, बहुत बहुत कमाल था. और जब आप रजनीकांत बन के आए सच ही वो वाह 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 वाह. सलाम है आपको, सलाम है आपके. इस बात पर सुगंधा जी, दिया आपके लिए जला है, तो बहुत बहुत कमाल एक्ट था. अर्चना जी कैसा लगा? वंस अगेन बहुत ही यूनिक एक्ट था ये. इस एक्ट में बहुत अच्छा काम किया आपके अंग्रेज ने, आपके रजनी ने और बापू जी आपने, बहुत बढ़िया. And Rohit, the tough job. आपने कहा कि दो देश बटने नहीं चाहिए थे, वैसे मैं कहूँगा क्योंकि मैंने एक सीजन जब जज किया था तो आप और VIP साथ में थे जी. आज आप दोनों को साथ में देख रहा हूँ मैं इतने दिनों बाद, आप दोनों भी अलग मत होना क्योंकि आप दोनों की कमाल की टाइमिंग है. और ये छोटा पैकेट जब आप बापू बन गया तो मैं डर गया कि कुछ गलत नहीं हो जाए क्योंकि बहुत बड़ी हस्ती को हम यहाँ कॉमेडी सर्कस के स्टेज पे ला रहे हैं. और मुझे खुशी है कि आपने उस इज्जत को बरकरार रखा. थैंक यू. उनकी रिस्पेक्ट को बरकरार रखा. आप में से कोई एलिमिनेट नहीं होगा. थैंक यू सर. इसी आशीर्वाद के साथ थैंक यू एंड थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू. नमस्कार ए जी. सत श्री अकाल डी जी. सत श्री अकाल. ये हमको कंजूस बोलती है. हम कंजूस नहीं है, हम सिर्फ फिजूल खर्च नहीं करता है. अभी आपको बोलता अर्चना पूरन सिंह जी, दलेर मेहंदी जी, इतना शब्दों का फिजूल खर्च होता है. हमने अपना वादा पूरा कर दिया. ठाकुर से जो बदला लेना था हमने ले लिया. उसका पूरा परिवार को खत्म कर दिया. लेकिन ये ठाकुर भी है ना बहुत ढीठ है, बदला. तूने मुझे थप्पड़ मारा कंफर्म. झगड़ा तेरा और मेरा है, तूने मेरे परिवार को क्यों मारा? तेरा बीवी का वजह से. बीवी? तेरा बीवी ने हमसे है ना पीठ पर टैटू करवाया था. हमने पैसा मांगा तो हमको बोलता हम भी तुम्हारे पीठ पर टैटू बनेगा, टिट पर टैटू हो जाएगा. हमने खत्म कर दिया उसको. मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा. तूने मेरे परिवार को मार दिया गब्बर. हम कराटे ब्लैक बेल्ट. अरे हमारे पास भी प्योर लेदर है, ब्लैक बेल्ट. गब्बर, गब्बर, गब्बर. हाथ मत हिलाना, डिसलोकेट हो सकता है तुम्हारा. इधर रहते एक मिनट, एक इधर चिपका. तैयार हो जा हाथ कटवाने के लिए. रेडी स्टेडी गो. अरे ठाकुर कंफ्यूज क्यों करता है? उल्टा हाथ काटेगा तेरा. गब्बर चले निकल इधर से. चला गब्बर. अभी यही कहानी आपको 3 महीने के बाद क्या हुआ वो दिखाता है. कितना जना था? वो 2 था. वो 2 और तुम 3.
एक एक्स्ट्रा आदमी क्यों गया था? कबर सिंघानी सेठ का नाम तुम्हें मिट्टी में नहीं पूरा गटर में मिला के आ गया है, इसका सजा तुमको देना पड़ेगा। बताओ ये बंदूक में कितना गोली है? ओ सरदार छे। तीन ही निकाल लेते हैं, काहे को वेस्ट जाए, ईस्ट में काम आएगा यार। अभी इसके तीन खड्डे में जिंदगी है और तीन खड्डे में मौत, देखता है किसको क्या मिलेगा। सुसु कर दिया पूरा कपड़ा गंदा कर दिया गदा की जड़ का, बच गया साला। ये साला भी बच गया। ए तुम हंसो मत इधर आओ जैसा मैं हने तीन जो छा तीन दो कारा। हाँ अरे तेरा क्या होगा कालिया? सरदार हम आपके नमक खाए हैं। झूठ बोलता है, कल इधर बैठ के चावल करी पापड़ खाया था। सरदार का नाम खराब करेगा, अब गोली खाओ। ये क्या हो गया? तीनों बच गया। तीनों बच गया। ज्यादा हंसो मत यार, हंसी बचा के रखो, आजकल हंसी का भी पैसा है। आजकल गब्बर सिंह इतना नहीं कमा रहा जितना पूरन सिंह कमा रहा है। अरे खाली में भी बच गया, भड़े में भी बच गया, झूले लाल कैसा हो गया? हमारा तकदीर अच्छा है सरदार। तकदीर नहीं यार, इसमें गोली ही नहीं था। हम तुम पे गोली वेस्ट करेगा पागल है क्या? हम तो तुमको डरा रहा था। एक बार बात सब लोग सुन लो, जो डर गया वो कभी धंधा नहीं कर सकता है। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। जैसा कि आपने देखा कि कमजोर कड़ियां हो चुकी हैं मुकाबले से बाहर और हमारी टीम्स हो चुकी हैं स्ट्रॉन्गर, तो जाहिर सी बात है कि अब मुकाबला होगा और भी टफ, और भी मजेदार, और भी ठहाकेदार। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे लेके एक नई थीम, ओनली ऑन डाबर बबूल प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के तानसेन।